हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में तो यू के का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों जो कि संबंधित है आपके लोअर पीसीएस प्रीलिम्स के रिजल्ट के बारे में आप में से कई सारे दोस्त लगातार इंतजार कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि सर लोअर पी का प्रिलिम्स का रिजल्ट कब तक आ जाएगा तो फाइनली दोस्तों आज यू के के द्वारा लोअर पीसीएस यानी कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है जितने भी दोस्तों का इसमें सिलेक्शन हो गया है सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन और आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और अगर आप लोग अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप यू के की ऑफिशियल वेबसाइट यू पी पर जाइएगा उसके होम पेज में ही आपको लिंक मिल जाएगा उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा दो प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम कट ऑफ मार्क्स अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और संशोधित उत्तर कुंजी सभी आपको यहां पर मिल जाएगा परीक्षा परिणाम में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको परीक्षा परिणाम दिखा दिया जा जाएगा उसमें रोल नंबर आ जाएंगे आप लोगों के कट ऑफ मार्क्स कितना गया हुआ है वो भी आपको पता लग जाएगा अभ्यर्थियों का प्राप्तांक क्या है वो भी पता लग जाएगा और संशोधित उत्तर कुंजी भी आपको पता लग जाएगी आपके कितने मार्क्स हैं वो आपको इस वाली लिस्ट से पता लगेगा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वह परीक्षा परिणाम वाले से पता लगेगा तो फिलहाल मैं आपको दोस्तों कट ऑफ मार्क्स दिखा देता हूँ कि कितना कट ऑफ गया हुआ है कौन सी कैटेगरी के लिए और कितनों का उसमें

जो प्रीवियसली हमारा एग्जाम हुआ था उससे कई ज़्यादा गया है एक हिसाब से ज़्यादा ही गया है ठीक है तो एक आपका जनरल का गया हुआ है और 97.25 नाइन्टी सेवन जनरल फीमेल का गया हुआ वहीं भूतपूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक का एट्टी वन पॉइंट टू फाइव गई हुई है स्वतंत्र संग्राम सेनानी जनरल एक सौ चार दशमलव सात पाँच कट ऑफ गया हुआ है उत्तराखंड दिव्यांग का सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव गया हुआ है सामान्य जो अनाथ श्रेणी से हैं उनका फिफ्टीन का टॉप है यानी कि फिफ्टीन से ऊपर जितने नंबर होंगे सब सेफ है ठीक है ऐसे एक का टॉप गया तो एक से ऊपर जितने के नंबर होंगे उनका सिलेक्शन हुआ होगा ठीक है एस का जो कट ऑफ गया हुआ है नाइन्टी है एस महिला का एट्टी है एस दिव्यांग या पीएच में सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो कट ऑफ है एसटी में नाइन्टी एट पॉइंट फाइव जीरो कट ऑफ है अनुसूचित जनजाति में ओबीसी में 105 सौ पाँच दोस्तों कट ऑफ है देखिए ओबीसी और जनरल का कट ऑफ यहाँ पे बराबर गया हुआ है ठीक है इसी के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड महिला के लिए 97.25 कट ऑफ है इसी के साथ ई मेल का जो कट ऑफ है वह है 105 ठीक है तो देखिए जनरल का ओबीसी का और ई का कट ऑफ बराबर गया हुआ है एक और ई जो उत्तराखंड महिला का जो कट ऑफ है वह गया हुआ है नाइन्टी सिक्स पॉइंट तो ये ई की जो महिलाएँ हैं और उत्तराखंड जनरल की जो महिलाएं हैं उसमें एक नंबर का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मतलब पॉइंट फाइव जीरो का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो कट ऑफ प्रीवियसली एग्जाम्स के कंपेरिजन में ज़्यादा गया हुआ है ठीक है तो जनरल में एक और अभी ये आपका जी एस निरीक्षक की जो उसमें एक पोस्ट थी इसमें कुछ स्पेशल आपकी अर्हताएं मांगी गई थी तो इसमें फोर्टी वन पॉइंट टू फाइव आपका कट ऑफ गया हुआ है ठीक है तो ये आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं ये आपके कट ऑफ मार्क्स बाकी अगर आपको अपना रिजल्ट देखना है आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ तो आप ये जो पीडीएफ है यह आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये आपके विज्ञप्ति फॉर्मेट में है देखिए आप लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 2021 को संपन्न उत्तराखंड सम्मिलित शिविर अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हिंदु तो सफल घोषित किया गया तो इसमें अगर आप लोगों का अनुक्रमांक है दोस्तों तो आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और जिन दोस्तों का भी सिलेक्शन हो गया है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बाकी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है वह 28 अगस्त 2022 को प्रस्तावित है और इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की जाएगी इसी के साथ साथ अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स और उत्तर कुंजी www.ukpsc.government.in पर आपको मिल जाएगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से संबंधित अभिलेख ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट तथा तो मुख्य परीक्षा की शुल्क इत्यादि का विवरण मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त किए जाने के लिए पृथक रूप से समाचार पत्रों या आयोग की वेबसाइट्स के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर भेजने होंगे तो सभी चीज़ें आयोग के द्वारा यहाँ पर बता दी गई हैं बाकी अगर आपको नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ भी चीज़ें देखनी है तो आप यूके पी एस सी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर लॉगिन कीजिएगा और यहाँ से आप नॉर्मली अपने प्राप्तांक और रिवाइज आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं कि रिवाइज आंसर की में क्या क्या चेंजेस हुआ है अगर आपको ये देखना है तो मतलब कितने आंसर्स डिलीट हुए हैं या कितना चेंज हुआ है तो यह है रिवाइज आंसर की सीरीज बुकलेट सीरीज फर्स्ट की आंसर की है ठीक तो है तो इसमें जिन क्वेश्चनों पे आपका हैशटैग लगा हुआ है आई थिंक वो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो डिलीट क्वेश्चन की अगर हम संख्या देखें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह मतलब आपके ग्यारह बारह क्वेश्चन आई थिंक इसमें डिलीट हो रखे हैं मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर थर्टी टू थर्टी एट फोटी नाइन फिफ्टी थ्री सिक्सटी सेवन सेवेंटी एटी वन नाइनटी सेवन और वन थर्टी टू बारह क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे डिलीट हुए हैं ठीक है बारह क्वेश्चन आपके यहाँ पे डिलीट हुए हैं तो बारह नंबर सभी को बोनस मिले हुए हैं इसीलिए कट ऑफ आपका ज़्यादा गया हुआ है ठीक है तो बारह क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में डिलीट हुए हैं लगभग लगभग बल सभी शिफ्टों में आपके बारह क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उसके बोनस नंबर आपको बारह नंबर फ्री के मिले हैं इसीलिए आपका कट ऑफ थोड़ा सा मीडियम एवरेज से ज़्यादा गया हुआ है तो जिन भी दोस्तों का सिलेक्शन हो गया है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों ऑल द बेस्ट और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा जिन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है धन्यवाद